अस्सलाम वालेकुम, वनकम, मरहबा, हाय। मैं हूं आपका दोस्त मसूद अलम और वेलकम टू मैक फिल्म्स। तो आज हम लोग और एक वीडियो के साथ आ रहे हैं और ये वीडियो रहने वाला है बेसिकली सऊदी के लिए कि जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं बट सऊदी ने इनिशियली फ्लाइट्स 15 सितंबर तक चालू की थी बट एट प्रेजेंट वो फ्लाइट सस्पेंडेड है। और अगर आप ऑनलाइन पर फ्लाइट अगर देखना चाहोगे तो फ्लाइट आपको 22 से 23 सितंबर की दिखा रहा है। बट मेरी एमिरेट्स से बात हुई थी, कुछ मेरे जानने वाले जो जाना चाहते थे, तो मैंने एमिरेट्स में जानकारी की और पता किया कि वो बुकिंग तो दिखा रहा है बट अभी फ्लाइट स्टार्ट नहीं है और मे बी वो 22-23 तारीख की के बाद की जो फ्लाइट है वो भी शायद एक्सटेंड हो जाएगी। अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों सऊदी वाले या सऊदी गवर्नमेंट अभी भी फ्लाइट्स इंडिया के स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अभी जो फ्लाइट स्टार्ट हुई है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी दोनों वैक्सीन सऊदी से लेकर इंडिया आना चाहते हैं उनके लिए, बट ये क्या वजह है कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी सऊदी गवर्नमेंट इंडियंस के लिए फ्लाइट स्टार्ट नहीं कर रहा है। अब बेसिकली बात यह है कि जो भी कोरोना केसेस है अब इंडिया में कम तो होते जा रहे हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग अभी भी वैक्सीनेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिए हैं और अगर नहीं लेंगे या तो वो सोच रहे हैं कि फ्रॉड सर्टिफिकेट, यस ये फ्रॉड सर्टिफिकेट जो वेबसाइट से बनाकर वो लोग वहां भेज देते हैं और इस वजह से जो है गवर्नमेंट थोड़ा सा इसके ऊपर सस्पिशन रखती है कि वो स्टार्ट करे या ना करे। ये तो पहली चीज होगी। अब दूसरी चीज ये हो गई कि सऊदी के अंदर बहुत सारे अभी डेल्टा वेरियंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं कर रही है फ्लाइट सऊदी गवर्नमेंट इंडिया के लिए। क्योंकि 9 अगस्त 2021 को सऊदी ने नोटिफिकेशन जारी की थी कि उम्रा के लिए वो स्टार्ट करेंगे बट अभी भी उसके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है कि उम्रा के लिए भी वो स्टार्ट कब करेंगे। दोनों वैक्सीन लेना तो मैंडेटरी है। अब दुबई के लिए भी सऊदी अरेबिया ने फ्लाइट्स यानी कि यूएई के लिए भी फ्लाइट्स नहीं ओपन किए, वरना आप यूएई में कौन 15 दिन क्वारंटाइन होकर जाइए, आप वाया यूएई टू आप सऊदी अरेबिया जाइए, क्योंकि अभी एक्सपो स्टार्ट होने वाला है और एक्सपो 6 महीने का होने वाला है। लेकिन फिर भी सऊदी गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी फ्लाइट्स के नोटिफिकेशन नहीं जारी किए। उम्मीद करते हैं कि कमिंग 1 to 2 वीक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन आए। अगर नहीं आती है तो दो चीजें हैं कि जो लोग इतना दिन वेट किए थोड़ा वेट कर लें, और अगर वेट नहीं कर पा रहे तो मैं भी यही सजेशन दूंगा कि आप कोई और कंट्री से 15 दिन क्वारंटाइन होकर चले जाइए। क्योंकि अब मार्केट में बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल, अगर जिनको जानकारी लेनी हो कि किस तरीके से हम जाए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करिए या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से होगा। अब समझने वाली और सोचने वाली बात यह है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा कि करीब 1.5 साल हो गया कि अभी तक सऊदी अरेबिया ने इंडियंस के लिए फ्लाइट स्टार्ट नहीं की है। अब ये तो नहीं पता कि कब स्टार्ट होगी बट 15 सितंबर के पहले तक तो कोई खबर नहीं है, क्योंकि एमिरेट्स हो गया, एयर अरेबिया हो गया, इन लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि वहां पर अभी ट्रैवल बैन किया हुआ है। और उनकी जानकारी के थ्रू ये भी उन्होंने बताया कि शायद 30 सितंबर तक ये बैन एक्सटेंड हो जाएगा। अब 30 सितंबर के बाद बैन एक्सटेंड होगा या उसके आगे कंटिन्यू रहेगा बैन, ये तो आने वाले टाइम पे पता चल पाएगा, नोटिफिकेशन अगर आएगी तो। अगर नहीं आएगी तो मैं कुछ नई अपडेट अगर मुझे मिलती है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को मेरे इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दूंगा। होप करता हूं गाइज जो भी मैं जानकारी देता हूं आपको अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत कम लोगों के पास सही जानकारी है। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझे कि पेशेंस रखिए, सबर रखिए, और नई जानकारी अगर आएगी तो डेफिनेटली वीडियो आएगा। होप करता हूं आप लोग सब ठीक हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।